स्टूडेंट्स, माइसेल्फ इप्सिता मांती, लेक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोसकोटक। टुडे माय टॉपिक इज इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन। ओके, प्रीवियस सेक्शन बा प्रीवियस वीडियो रे आमे किछि पार्ट पढ़ी सारे ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। टुडे वी हैव डिस्कस दिस कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट विल बी सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससी एंड डीसी ट्रैक्शन मोटर। ओके, टॉपिक भीतर को जीवा पूर्व प्रीवियस क्लास रे आम कौन पढ़ी थे तार टिके डिस्कशन करवा कारण इजी हम आमको बुझाप। तो प्रीवियस क्लास रे मु कहितली ट्रैक्शन आम कौन पे यूज करुचे जेकोसी गोटे व्हीकल को मूव करने जदि से प्रोसेस आम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कले आम कौचे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कले आम कौचे नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। बट नाउ डेज रे इन इंडिया रे आम केवल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ही यूज करुचे, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आम यूज करूना। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो आम यूज करुचे तो से कौन पे यूज करुचे कारण गोटे व्हीकल को मूव करने तो गोटे व्हीकल को मूव करिया को हेले मते ता ऊपर कौन पकाया को पड़े फोर्स पकाया पड़े। तो फोर्स ताले में आने को तो फोर्स आने आमे आउ गोटे इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऊपर डिपेंड करुचे जहाँ को आम कौचे इलेक्ट्रिकल मोटर्स। ओके, देन इलेक्ट्रिकल मोटर को पुणी किए ड्राइव कर तो इलेक्ट्रिकल मोटर को ड्राइव करने आमको कौन दरकार इलेक्ट्रिसिटी दरकार। ओके, देन इलेक्ट्रिसिटी आमे दुईटा वे रे कार्डिनल आनी परिबा, गोटे आइदर आमे सोर्स यूज करी परिबा नहले आमे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाइछि आमो मुंडर जो सब जगह देखिबा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाइछि सेठु भी आमे इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करी परिबा। नेक्स्ट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड कोन कोन वे रे बा केमिति वे रे आमे इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करी परिबा। तो फर्स्ट वन विल बी डीसी सिस्टम, सेकंड वन विल बी सिंगल फेज एसी सिस्टम, थर्ड वन विल बी थ्री फेज एसी सिस्टम एंड फोर्थ वन विल बी कंपोजिट सिस्टम। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस्ड डीसी सिस्टम। ओके, तो व्हाट इज डीसी सिस्टम। तो नॉर्मली आमे ए जो सिस्टम यूज करुचे सेटा आमे कहाँ पे यूज करुचे बहुत सब अर्बन एरिया जोटा के आमे ट्राम वे पे नॉर्मली यूज करुचे आउ स्मॉल टाउन जोटा छोटो छोटो टाउन अच्छे से जो मेट्रो गुड़ाक यूज चलुचे भी आमे ए सिस्टमटा यूज करुचे। इन डीसी सिस्टम आमर ऑपरेटिंग वोल्टेज है 600 वोल्ट टू 750 वोल्ट फॉर अर्बन एरिया एंड 1.5 kV टू 3 kV फॉर रेलवे मेन लाइन बा रेलवे जो छोटे छोटे मेट्रो सीट रे जो ट्रेन यूज करुचे बा ट्रेन चलुचे ता पई हम 1.5 kV यूज करुचे। बट आम जानवा जे 1.5 kV आम पाउचे केमती। तो दिस इज द टोटल डायग्राम ऑफ डीसी सिस्टम। एटे जो डॉटेड लाइन टा देखुच दिस इज द 33 kV एससी सिस्टम जोटा कि नॉर्मली आम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाइए आम मुंड उपर तो सेटा है मोर 33 kV एससी सिस्टम। देन ए जो 33 kV एसी सिस्टम रु आम पावर कलेक्ट करके कहाँ को दबा सबस्टेशन को दबा है। तो नॉर्मली ट्रेन चलला बेले आम विभिन्न जगह विभिन्न सबस्टेशन देखीचे तो ए जो 33 kV रु आम पावर कलेक्ट करके कहाँ को दबा सबस्टेशन दबा। देन ए सबस्टेशन भितर मोर कौन कौन अच्छी गोटे ट्रांसफॉर्मर अच्छी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अच्छी आ गोटे रेक्टिफायर अच्छी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम हैला सी कौन कर स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज वोल्टेज को रिड्यूस कर। तो जो वोल्टेज को रिड्यूस कर तो 33 kV सी मत कौन दब 1.5 kV सप्लाई दब। ओके, तो मत ट्रांसफॉर्मर रो आउटपुट रे हमें कौन पाइल 1.5 kV एसी जहाँ को दबा हमें कहा को रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो रेक्टिफायर रो काम कौन सी एसी रु डीसी को कन्वर्ट कर। तो मत रेक्टिफायर रो आउटपुट रे ताले कौन मिलिबो 1.5 dc जहाँ को आम दबा ट्रेन रो कोडु ओवरहेड लाइन समस्त ट्रेन जाइथिबो देखिथिबो ट्रेन चालुची तो सबुबले देखिबो ट्रेन रो ऊपर गोटे सिंगल ओवरहेड लाइन जाइछि जोथिरु आमे ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी दउछे। तो दिस इज द 1.5 kV डीसी ओवरहेड लाइन्स। देन ए 1.5 kV डीसी रु आमे एठी गोटे करंट कलेक्टर लगैछे देखिछ ट्रेन ऊपर
गोटे जो आंटीना भाया थी जमी टी आंटीना बंका है सेमती गोटे थी तो सेटा को हमें करंट कलेक्टर कहूँ तो सी कौन करो 1.5 किलो वोल्ट डीसी मिलला ताको करंट कलेक्टर सहायता हमें कलेक्ट करके कहाँ को दबा ट्रेन को दबा देन ट्रेन में हमें कौन रखीचे मोटर रखीचे तो डीसी सिस्टम रे जेतु हमें डीसी सप्लाई यूज करूचे तो सेथि पई एथरे हमें लगेचे डीसी सीरीज मोटर तो डीसी सीरीज मोटर रे तो हमें कौन दबा इलेक्ट्रिसिटी दबा देन मोटर रा प्रिंसिपल कौन कहूची व्हेन मोटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मेकानिकल एनर्जी ताकु जदि इनपुट दबा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तले से हमकु कौन दबा मेकानिकल एनर्जी दबा तले मोटर रा आउटपुट रे हमें कौन पाइबा मेकानिकल एनर्जी पाइबा तो उथरे मोर मोटर ताकु रोटेट करिवो देन मोटर रोटेट करबा द्वारा एटा हला मोर कौन व्हील ट्रेन जोथरे चालिबो तो जेतले मोटरटा मोर रोटेट करिवो तले ए व्हीलटा भी ता सते कपल हे कि थिवो तेनु से भी रोटेट करिवो तो इन दिस वे द व्हीकल विल बी मूव तो मु कोन कहली ए जो डीसी सिस्टम रे हमें कोन यूज करू छे डीसी सीरीज मोटर एबे समस्त को मन रे गोटे डाउट थिवो डीसी सिस्टम रे विभिन्न टाइप रो मोटर अछि डीसी सीरीज मोटर भी अछि डीसी शंट मोटर भी अछि डीसी कंपाउंड मोटर भी अछि तले हमें डीसी सीरीज मोटर कोन पे यूज करू छे फर्स्ट मेन रीजन हला आरो जे डीसी सीरीज मोटर रे तो टॉर्क जो स्टार्टिंग टॉर्क रहूछि तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट रो स्क्वायर तो डीसी सीरीज मोटर रे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट रो स्क्वायर ता माने जदि स्मॉल अमाउंट रो करंट भी मु इंक्रीज करूछि तो इट विल बी गिव द मैक्सिमम टॉर्क से मते बहुत बडो अमाउंट रो टॉर्क ता फळरे द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द ट्रेन विल बी ऑफ द मोटर विल बी मैक्सिमम कारण जो हमें ट्रेन यूज करूचे ट्रेन सहित ट्रेन रो इंजन सहित आउरे बहुत हमर कोन छि बगी अछि जाक हमें कहूचे तो सेइटा का हम एठी कोन कहूचे लोड अछि तो मोर ट्रेन इंजन सहित ट्रेन को लो बगी गुडा को बा लोड गुडा को भी मूव करिया कछि तो सेथि पई हाई अमाउंट रो स्टार्टिंग टॉर्क दरकार तण करी हम एठी डीसी सीरीज मोटर यूज करूचे नेक्स्ट एटा हला डीसी सिस्टम बट द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम ए सिस्टम रा डिसएडवांटेजेस हला इट रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ सब स्टेशन तो एथरे हमें बहुत दरकार पड़िवो सब स्टेशन तो फिर पुणी क्वेश्चन आसला कोन पई दरकार पड़िवो तो आमे जानिचे इन डीसी सिस्टम द वोल्टेज विल बी कांस्टेंट वोल्टेज को हमें वेरी करि परबा नाही द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट बट जदि आम आपको लॉन्ग डिस्टेंस पाई यूज करूचे तो जिते आम डिस्टेंस बढ़े बढ़े जाए जिते आम डिस्टेंस ट्रावेल करवा तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इनक्रीजेस से मोर रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़े बढ़े जदि मोर रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ला देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी इनक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ ओम्स लॉ अनुसार वी इज इक्वल टू आई आर जदि मोर रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ला तो वोल्टेज ड्रॉप इज ऑल्सो इनक्रीजेस तो वोल्टेज आम बढ़े पारे सेम वोल्टेज रखुचे किंतु ड्रपेज मोर बढ़ी चलिए जब ड्रपेज मोर बढ़ीगला तेल वोल्टेज कौन हम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो तेणुक मत जिते लॉन्ग डिस्टेंस मु ट्रैवल करी सबू पाथ रे मत इक्वल वोल्टेज मिलना तो से इक्वल वोल्टेज पाइबाक मत कौन करा पड़ो अधिक अमाउंट सबस्टेशन यूज करा पड़ो तो जी आम 600 वोल्ट यूज करूचे सबस्टेशन भितर डिस्टेंस हम 3-5 किलोमीटर जदि मत 1.5 के भी यूज करूचे डिस्टेंस मोर के 15-40 किलोमीटर नेक्स्ट सिंगल फेज एसी सिस्टम तो इन सिंगल फेज एसी सिस्टम रे आम सेम जिनस करूचे फर्स्ट आम कौन नौचे गोटे ओवरहेड लाइन नौचे जोटा कि 33 के भी एसी देन ए 33 के वी एसी रु आम ट्रांसफर्मर लगे जहाँ को आम कौ स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर ए ट्रांसफर्मर साहय मोर वोल्टेज कौन हो स्टेपिंग डाउन हो कमिकी कौटी आसूँ सबस्टेशन को आसूँ है तो 33 के वी रु आम ये के 5 किलो वोल्ट रु 25 किलो वोल्ट पर्यंत वोल्टेज पाचे कौटी सबस्टेशन ओके देन एई सबस्टेशन रु आमे कौन दौचे गोटे ओवरहेड लाइन दौचे जो थे आम कौन करवा सप्लाई नवा कहाँ पाए ट्रेन पाए देन एई ओवरहेड लाइन रु आमे करंट कलेक्टर साहय क्या दौचे ट्रेन को कौन करचे सप्लाई दौचे तो ट्रेन को ताले केते आसला मोर 15 के वी रु 25 के वी विथ मोर इम्पोर्टेंट है जो सिंगल फेज सप्लाई आम यूज करूचे
that the frequency will be low, minimum. So it is all about to 25 hertz. 25 hertz पर्यंत frequency हमें use कर पाएंगे. तो इतने ताले हमें कौन पाइले ताले 15 kV रू 25 kV to up to 25 hertz frequency. देन जो इतने के जो किलो वोल्ट सप्लाई पाइले, देन इतने जो ट्रेन अच्छी, ट्रेन भीतरे मोरा आउ गोटे कौन अच्छी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अच्छी, जिए कि मते 15 kV रू केते सप्लाई दबो 300 वोल्ट रू 400 वोल्ट पर्यंत सप्लाई दबो. कौन पाइले ताले हमें ताको फुनी आउ गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेले, कारण इन केस ऑफ एसी सिस्टम वी आर यूज एसी सीरीज मोटर. हमें कौन यूज करूचे एसी सीरीज मोटर. तो एसी सीरीज मोटर रो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज हैला 300 वोल्ट रू 400 वोल्ट. तो मैक्सिमम से 400 वोल्ट पर्यंत काम कर परबो. तेनो ताको हम जदी 1.5 केवी दबा कि 15 केवी दबा तो से काम करबो कर परबो नाही. तो सेति पय हमें आउ गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करले जे कि मोर 300 वोल्ट रू 400 वोल्ट. नेक्स्ट हैला मोर 3-phase एसी सिस्टम. ओके, इन के इन दिस सिस्टम वी डज नॉट यूज एनी ट्रांसफार्मर. किछ ट्रांसफार्मर हमें यूज करू नाहे. डायरेक्ट मोर जो ओवरहेड लाइन रहूची ताको मैं कोन कहू छे 3-phase सप्लाई दउ छे. ओके, देन ए 3-phase सप्लाई विल बी 3.3 केवी और 3.6 केवी भी हे परबो विथ लोअर फ्रीक्वेंसी अप टू 25 हर्ट्ज. 25 हर्ट्ज पर्यंत दे परबो. ओके, देन ए जो थ्री. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पचार व्हाई वी यूज लोअर फ्रीक्वेंसी. लोअर फ्रीक्वेंसी हमें कौन पे यूज करू, सिंगल फेज हो कि थ्री फेज हो, हमें सब बेले लो फ्रीक्वेंसी यूज कर. तो लो फ्रीक्वेंसी कौन पे यूज कर, कारण वी नो दैट एक्सएल इज इक्वल टू 2πfL. ओके, द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव रिएक्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. जदि मु फ्रीक्वेंसी कमाई देवी ताले रिएक्टेंस वैल्यू बी मोर कौन हम कमी. जदि रिएक्टेंस वैल्यू कमी गला देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रिएक्टेंस बाय रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप इज आल्सो डिक्रीजेस. जदि ड्रॉप कमिला ताले मोर वोल्टेज एते जल्दी रिड्यूस होबो नाही, तनु करे हमें लो फ्रीक्वेंसी यूज करछ. नेक्स्ट, ए सिस्टम रे हमें कोन कहले 3 फेज सप्लाई दबा कहाकू, ट्रेन को. 3 फेज, 3 फेज मींस 3टा फेज. 3 फेज दबा पई मोर 3टा फेज दबा. तो तीनटा फेज भितर दीटा फेज आम कौटू आने को कलेक्ट करवा ओवरहेड लाइन. तो ट्रेन उपर एम ओवरहेड लाइन हम दीटा, तो ये दीटा फेज आम कौट आनवा ओवरहेड लाइन. आउ गोटे जो फेज रहा 3 phase यहाँ आम कौट आनवा ट्रैक. तो हियर द 2 phase विल बी कलेक्ट फ्रॉम ओवरहेड लाइन्स एंड अनदर फेज विल बी इन ट्रैक. तो व्हाट इज ट्रैक, तो नॉर्मली हमें देखीचे ट्रेन को मूव करिया पे ट्रेन दीटा ट्रैक रे मूव करे, ताकू छाड़ी के गोटे एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रैक हमें यूज करिबा जिए कि 3 phase पाई फेज भलिया काम करियो. ओके, देन ए एमटी हमें कोन करले सप्लाई दबा कहाकू, मोर ट्रेन को. देन ट्रेन भितरे मोर कोन अछि गोटे 3 phase इंडक्शन मोटर अछि जिए कि मोर कोन करछि 3 phase सप्लाई देला परे सी कौन करुच मूव करुच रोटेट करिया स्टार्ट करुच. तेनालीत मोटर मोर रोटेट करिया को स्टार्ट कर देन इट विल बी मूव द ट्रेन. एंड आम ताले एटा आम पढ़ा तो आम 3 phase रे कौन पाई इंडक्शन मोटर यूज कले आउ किछ मोटर भी यूज कर परिया, किंतु आम इंडक्शन मोटर एट पाई यूज करुचे कारण इंडक्शन मोटर हैविंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट लो फ्रीक्वेंसी. छोट छोट फ्रिक्वेन्सी स्मल अमाउंटर फ्रिक्वेन्सी भी आम हाई अमाउंटर टर्क पाइपे तेणुक आम इंडक्शन मोटर यूज कले. तो दिस इज द 3-phase एसी सिस्टम. बट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम इज दैट जेहेतु दीटा आम ने ओवरहेड लाइन रू गोटे आनवा ट्रैक रु, तो जेहेतु दीटा उपर रहा तो गोटे तले रहा, तो इट इज सो कम्प्लिकेटेड सिस्टम टा मोर कम्प्लिकेटेड हो. सेकेंड रे जदि आम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करुचे ताहले मते कौन करिया को पड़िबो, से लॉन्ग डिस्टेंस रे ट्रैक बनिया को पड़िबो, तो जोटा कि मोर कॉस्टली. तेणु करी दिस सिस्टम इज नॉट यूज्ड. नेक्स्ट हैला मोर कंपोजिट सिस्टम. तो कंपोजिट सिस्टम आम क्या कहे, तो प्रीवियसली आम तीन टा सिस्टम पढ़ले डीसी सिंगल फेज एसी एंड 3-phase एसी. तो तीन टा सिस्टम रे मोर किछि ना किछि डिसएडवांटेजेस रहला, को गोटिए सिस्टम मोर परफेक्ट नुह सप्लाई बा यूज करबा पाई.
तेणुक आम दीटा सिस्टम रडभाटेजेस को लेकिन गोटे कंपोजिशन कले जयन करके गोटे नुआ सिस्टम याले जहाँ को आम कौचे कंपोजिट सिस्टम देन इट विल बी टू टाइप्स फर्स्ट विल बी सिंगल फेज एसी टू थ्री फेज एसी तो ये आम कौन कौन यूज कले सिंगल फेज एसी यूज कले आउ थ्री फेज एसी यूज कले तो इन थ्री फेज सिस्टम रे मोर प्रॉब्लम कौन है प्रॉब्लम है मुझे नेली दीटा जो दुटा ओवरहेड लाइन नेली जहाँ को दुटा फेज भाया यूज कली आउ गोटे आम कौन ने ट्राक ने जहाँ को थर्ड फेज भाया यूज कले तो से कम्प्लिकेटेड हो गला तो मोर जो इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करिवारे मोर एटा हेगला डिसएडवांटेजेस ओके तो सही केस रे इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करिवारे मु जदि सिंग थ्री फेज को काढ़ी की सिंगल फेज यूज करबी ताले इट इज मते कोन दबो से गोटे एडवांटेजेस दबो कारण सिंगल फेज रे केवल मोर गोटे सिंगल ओवरहेड लाइन अछि आउ ट्रैक टा मोर न्यूट्रल भले यूज करछु तेन करे सेटा मोर सिंगल फेज रा एडवांटेजेस तनो सही जो थ्री फेज रे सब डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कम करिया पई आमे सही जगह रे कोन यूज करले सिंगल फेज यूज करले बट सिंगल फेज रे गोटे डिसएडवांटेजेस अछि तार जो मोटर आमे यूज करूचे एसी सीरीज मोटर तो एसी सीरीज मोटर रे मते जेतिके टॉर्क हाई अमाउंट रो जो टॉर्क सेटा मते मिलु नाही आदि जदि मु कंपेयर करबी ताले थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे मते हाई अमाउंट रो स्टार्टिंग टॉर्क मिलु छ तो सेथि पई आमे सेथि कोन करले सिंगल फेज रो इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन यूज करले आउ थ्री फेज रो मोटर यूज करले तो दिस इज द होल डायग्राम ऑफ सिंगल फेज टू थ्री फेज जहाँ को आम कहे कांड सिस्टम व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट इन सेमेस्टर एग्जाम तो दिस इज एन ओवरहेड लाइन इट गोटे आम सिंगल फेज जो यूज करूचे जेहतु गोटे ओवरहेड लाइन रोज तो दिस विल बी सिंगल फेज ओवरहेड लाइन तो यूठू आम करेन्ट कौन कले कलेक्ट कले कलेक्ट कर ट्रांसफर्मर दिस इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर जिकि मोर जो सप्लाई आसूरी सिंगल फेज रूप स्टेपिंग डाउन करके मतलब वोल्टेज रिड्यूस करके दब देन जो वोल्टेज आम मिलला ट्रांसफर्मर आउटपुट को ताको आम दबा गोटे फेज कन्वर्टर जिकि मतलब सिंगल फेज रु थ्री फेज को कन्वर्ट करबो कारण हमर आउटपुट कोन दरकार थ्री फेज दरकार देन ए फेज कन्वर्टर भितर मोर कोन कोन रहला रेक्टिफायर रहला आ गोटे इन्वर्टर रहला तो रेक्टिफायर कोन दबो एसी रु डीसी के कन्वर्ट करबो देन जो डीसी मोर बाहरिबो ताको आमे कहा को दबो इन्वर्टर को तो इन्वर्टर आमे कोन करबो डीसी रु एसी के कन्वर्ट करबो तो जो एथि जो एसी ना मिलबो सेटा मोर थ्री फेज एसी जोटा कि आम अलरेडी आगु पावर इलेक्ट्रोनिक्स पढ़ीचे केमी आम फेज कन्वर्टर यूज करके सिंगल फेज रु थ्री फेज पापर देन जो थ्री फेज सप्लाय मिलला आम क्या दबा थ्री फेज इंडक्शन मोटर को दबा जहाँ फल मोर मोटर रन कर नेक्स्ट सिस्टम विल बी सिंगल फेज एसी टू डीसी सिस्टम तो ये आम कौन कौन यूज करूचे सिंगल फेज एसी आउ डीसी यूज करूचे जहाँ मुझे कहली मोर डीसी सिस्टम रे जदि आम ओवरहेड लाइन यूज करूचे तापाई मोर मैक्सिमम सबस्टेशन रिक्वायर्ड जदि मोर मैक्सिमम सबस्टेशन यूज करूचे ताले कॉस्ट पर मत टंका बहुत खर्च करिया पड़ो तो सेथि पई जेतेबेले मु करंट कलेक्ट करूची ताले मु डीसी सिस्टम यूज कर परबी नाही तो इनस्टेड ऑफ यूजिंग डीसी सिस्टम वी आर यूज सिंगल फेज सिस्टम कारण मोर कम कॉस्ट पड़ो सबुबेले आम जेहेतु मन लोक तो लोक माने जहाँ हेले भी आम सबुबेले एम हेला केमती आम कॉस्ट को रिड्यूस करिवा तनो आम इनस्टेड ऑफ डीसी वी आर यूज सिंगल फेज एसी देन सेम प्रॉब्लम मोटर सिंगल फेज रे जो मोटर यूज करूचे सेटा मते हाई अमाउंट रो टॉर्क दोनी तनु करी हमें डीसी सिस्टम रो डीसी मोटर यूज करबा ओके तो जेहेतु हमें सिंगल फेज यूज करूचे तो गोटे ओवरहेड लाइन नबा तो एटा ला मोर गोटे ओवरहेड लाइन तो सेही तुरा हमें करंट कलेक्ट करबा कलेक्ट करके कोह को दबा ट्रांसफार्मर को दबा देन ट्रांसफार्मर कोन करबो स्टेप डाउन करके मते वोल्टेज दबो 1.5 किलो वोल्ट रो देन एटे आम कौन लगे टैप चेंजर लगे तो टैप चेंजर काम है से फ्रिक्वेन्सी को वारी कर कारण सिंगल फेज रे मुझ फास्ट रू कहली मोर फ्रिक्वेन्सीटा मोर कम हम दरकार जिते फ्रिक्वेन्सी कम हम से वोल्टेज ड्रप मोर मिनिमम हम देन एठ मोर कौन कर टैप चेंजर यूज करके आम फ्रिक्वेन्सी कमे पार देन फ्रिक्वेन्सी जो कमे सारापर आम क्या दबा रेक्टिफायर को दबा तो रेक्टिफायर काम है से एसी रु डीसी को कन्वर्ट कर तेना जो आउटपुट बाहर से मोर डीसी सप्लाई बाहर जहाँ को आम क्या दबा डीसी सीरीज मोटर को दबा देन मोटर विल बी रन एंड द व्हीकल विल बी रन ओके जमी आम सब कहे दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया सब कथार आम एटा जब गोटे भल जिनस प्रडक्ट कले कि भल जिनस लंच होगा तो आम से कहे दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इट इज द फ्यूचर ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम
ता माने एई जो सिस्टम दिस इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन ताको हमें कोन कहउचे जहा को हमें कहउचे फ्यूचर ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम. नेक्स्ट नेक्स्ट हमें कोन पढ़वा रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी एंड डीसी ट्रैक्शन मोटर जो जो ट्रैक्शन मोटर यूज करुचे तार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़वा. ओके तो आमे डीसी सिस्टम रे डीसी सीरीज मोटर यूज करुचे एसी सिस्टम रे एसी सीरीज मोटर यूज करुचे आउ थ्री फेज सिस्टम रे आमे थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज करुचे. यही तीन टा मोटर रा आमे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़वा जहाँकि ऑलरेडी आमे पढ़ी सारीचे मेसीन जोटा आमे फोर्थ सेमिस्टर लैटरल आगुरु जो थिला सेतरा आमे ऑलरेडी पढ़ी सारीचे फिर भी जेहेतु मोर टॉपिक रे इन्वॉल्व अछि तको आउ थरे आमे पढ़वा. तो फर्स्ट आमे पढ़वा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर रे मेनली आमे तीन प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हला टॉर्क वर्सेस करंट. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हला स्पीड वर्सेस करंट. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हला स्पीड वर्सेस टॉर्क. We know that in case of DC motor, torque is directly proportional to flux into current. Torque ta kaha upar depend karuchi flux au current mod. But in case of series motor re flux is directly proportional to current. Flux ta kaha upar depend karuchi current upar. Tenu kare jodi flux agar mo current put karibi, tale torque is directly proportional to current into current. So this will be टॉर्क इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट रो स्क्वायर. ता माने जदी स्मॉल अमाउंट रो करंट मु बडौची ताले मते से हाई अमाउंट रो टॉर्क इंक्रीज करबो. तो एठी हम देखिया दिस इज द टॉर्क एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स. जदी हम स्मॉल अमाउंट रो भी करंट बडौची ताले टॉर्क मोरो बडी बडी जाबिच. नेक्स्ट हला स्पीड वर्सेस करंट. इन केस ऑफ मोटर वी नो दैट EV इज इक्वल टू P∅ZN/60A. ए रिलेशनशिप रो आमे पाइबा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी बाय फाइ. ताकु जदि आमे क्लैरिफाई करिबा तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी एंड एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइ. एठी आमे पढ़िले इन केस ऑफ सीरीज मोटर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए. तो जदि आमे देखिबा ताले आमे पुट करिबा ताले फ्लक्स जगह आमे कोन पुट करिबा करंट पुट करिबा ता माने स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. यदि जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो यदि मो करंट बढ़े बढ़े जीबी ताले स्पीड कोन हबो मोर कमे कमे जीबी. नेक्स्ट रिलेशन एबे वर्तन दीटा रिलेशन पढ़िले टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रो स्क्वायर. आ गुटे पढ़िले स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. तो वर्तन यदि दीटा जक रिलेशन यदि हमें मिसई दबा ताले हमको कोन मिलिवो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क. सेम जिनस जदि आम टर्क बढ़े बढ़े जावा स्पीड मोर कौन हम कमे कमे जा. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर मेनली आम कंपाउंड मोटर यूज करे ना जो मैंने अर्जेंट केस जो ब्रेकिंग आम निहाती दरकार जो ट्रेन से आम कंपाउंड मोटर यूज करे. तो कंपाउंड मोटर इज द मिक्सचर ऑफ सीरीज एंड शंट मोटर. तो कंपाउंड मोटर किसी सीरीज पार्ट अच्छी किसी शंट पार्ट अच्छी. देन द कंपाउंड मोटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. गोटे है कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर आ गोटे है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर. तो कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर रे जो आम फ्लक्स क्रिएट करुचे सीरीज फील्ड वाइंडिंग रे आउ शंट फील्ड वाइंडिंग रे दुटा जाक डायरेक्शन विल बी सेम. तेणुक कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर रे द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी एडेड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर रे मोर सीरीज फील्ड रे फ्लक्स डायरेक्शन जहाँ हम शंट फील्ड रे फ्लक्स डायरेक्शन तार अपोजिट हम. तेणु कैरेक्टरिस्टिक्स मोर अलग अलग. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड मोटर. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससी सीरीज मोटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर जोटा कि आम ऑलरेडी आगुरी पढ़चे. देन यही चैप्टर मोर क्वेश्चन में आम कौन पढ़ा तुम निजे घर प्राक्टिस कर दिस इज एन इम्पोर्टाट क्वेश्चन. कांडो सिस्टम लिखिपार अलरेडी जो डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स लिखिपार आउ कहली मुझे ऑलरेडी डीसी सीरीज मोटर आम कौन पर यूज करुचे से सब तुम घर लिख पार. थैंक यू. इफ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट प्लीज कांटेक्ट मी इन माय व्हाट्सएप नंबर 7539823791. एंड नेक्स्ट पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो.
ଝିଅଟିଏ ତ ମାଟି ଆମ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମୂଳ କଥାଟିଏ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଯିବ ସଂସାର। ଆମ ଝିଅମାନେ ଆଉ ପୁଅଙ୍କଠୁ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ବଦଳି ଗଲାଣି ସମୟ, ବଦଳି ଗଲାଣି ଯୁଗ। ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ITI ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ତାଲିମ। ଏବେ ଆମ ଝିଅ ରହିବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ସବୁଠୁ ଉପରେ। ମୁଁ ସଫଳ, ମୁଁ କୁଶଳୀ, ମୁଁ ସୁଦକ୍ଷା, ଆମେ ସୁଦକ୍ଷା।